जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस 8415 का फाइनल मेरिट आ चुका है। अब जो है एक इन लोगों का योगदान से रिलेटेड नोटिफिकेशन दिया गया है और इसमें जो है उन लोगों को जिला भी अलॉट कर दिया गया है कि आपका जो है किस जिला में आप सिलेक्टेड हुए हैं, मतलब किस जिला में आपकी पोस्टिंग होगी, ये भी चीज़ दे दिया गया है। और उसमें ये भी मेंशन किया गया है कि आपका जो है योगदान, मतलब आगे की जितनी सारी प्रोसेस है उसी जिला में कराई जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग योगदान से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि योगदान वाकई में होता क्या है, क्योंकि ये शब्द जो होगा आप लोगों के लिए नया होगा और बहुत लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि योगदान का मतलब क्या है होता है। ऐसे तो उसमें क्लियर मेंशन किया गया है कि ये चीज़ें आपको लेकर जाना है, वहाँ पे आपका योगदान कर दिया जाएगा, लेकिन वाकई में होता कैसे है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूँ। और बताना चाहूँगा PDF के बारे में कि देखिए, PDF में अगर आपका नाम नहीं मिल रहा है तो उसमें तीन तरह से आप अपना नाम को ढूंढ सकते हैं, रोल नंबर से, फादर नेम से, और साथ साथ जो है अपने आप जो है उस PDF में अपने नाम को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और उसमें जो है PDF में आपको एक दो चीज़ें और देखने को मिलेगी, जैसे कि आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, या बिहार सशस्त्र पुलिस में, या औद्योगिक पुलिस में, या वाहिनी पुलिस में आपका सिलेक्शन हुआ, या चार तरह की पदे थी आप लोगों को भी पता है, तो इसमें किस में आपका जो है सिलेक्शन हुआ है वो भी चीज़ें आपको उसमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो यही सब सारी चीज़ें उस PDF के माध्यम से आपको पता चलेगी। अब देखिए, चलिए योगदान के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे आप लोगों को पता है कि योगदान का जो डेट रखा गया है 15/9 से 15/10 तक, मतलब कुल एक माह का समय है। और उसमें बताया गया है कि जिसका जिस जिले में बताया गया है उस जिले में ये अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो चीज़ आपको बता दूँ। सबसे पहले कि देखिए, अभी जो है बिहार जो SI लोग हैं, 22-17 कैंडिडेट, इन लोगों का योगदान प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल वगैरह सब चल रहा है। ठीक है, तो योगदान के बारे में एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप लोगों का भी सेम उसी प्रोसेस से होगा। आपका एक लेटर डाउनलोड होगा, जिस लेटर में आपका जो है पद, रोल नंबर, आपका नाम क्लियर कट मेंशन किया रहता है, उस पर आपका फोटो भी रहता है। वही जो है लेटर को आपको लेकर जाना होता है जहाँ भी, जिस जिला में आपको बुलाया गया है उस जिला में लेकर जाना होता है और वहीं पे आपका योगदान होता है। ठीक, तो अभी एक लेटर डाउनलोड होना बाकी है, बहुत जल्दी आपको जो है लिंक देखने को मिल जाएगा, मतलब कि बहुत जल्दी वो लिंक अपडेट कर दिया जाएगा। फिर लिंक के थ्रू आप जाइएगा, अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम डाल के डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और वहीं लेटर लेके जाना होता है जिसके माध्यम से वहाँ पे आपका वेरीफाई होता है कि हाँ, ये लड़का जो है सिलेक्टेड है और यही मतलब योगदान देने वाला है। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं कि योगदान में आपका डॉक्यूमेंट्स कौन कौन लगेगा। ऐसे तो उसमें मेंशन किया गया है तो आपको पता चल जाएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो है आपका क्वालिफिकेशन में बात करें तो वही मैट्रिक, इंटर का जो है सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ओरिजिनल, ये चार चीज़ आपको ओरिजिनल लेके जाना है, लेकिन वहाँ पर आपका जीरोक्स जमा किया जाता है। उसके बाद से छूट के लिए आप कोई डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि OBC, ठीक है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, इस हिसाब से आप जो है अपना सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। SC ST वाले भी अपना सर्टिफिकेट ले लेंगे, एक्स आर्मी मैन वाले हैं, गोरखा वाले हैं, इस तरह के भी सर्टिफिकेट जो होता है वो इस्तेमाल किए हैं, उसको लेके जाएंगे। ठीक, इसके बाद EWS वाले भाई लोग भी अपना जो है सर्टिफिकेट भी बनवाए होंगे तो उसको लेके जाएंगे। उसके बाद से जिन जिन लोगों का डोमेसाइल की आवश्यकता होती है, डोमेसाइल अपना लेके जाएंगे, ये हो गया आपका। उसके बाद से पहचान पत्र के लिए आप कोई भी ID ले सकते हैं, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फोटो उस पर आपका होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्लियर मेंशन किया गया, ये चीज़ हो गया। इसके अलावा कोई खास डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक चीज़ यहाँ पे एक और बताना चाहूँगा कि यदि आप कोई डॉक्यूमेंट्स छोड़ देते हैं, मतलब कि एट अ टाइम आपके पास नहीं है, तो फिर आपको बताया जाता है कि जाइए आप फिर से डॉक्यूमेंट्स लाइए, इसमें कोई बाहर नहीं होता है। ठीक है, आपको पूरा भरपूर टाइम मिलता है। ठीक, ये हो गया आपका योगदान के समय का डॉक्यूमेंट्स। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके साथ साथ बात करना चाहूँगा कि योगदान आपका जैसे कैसे होता है। जैसे आपको तो जिला बता दिया गया कि हाँ भैया, आपका इस जिला में योगदान होने वाला है, तो देखिए वहाँ डिपेंड करता है, एक माह का जो आपका समय है तो सबका एक ही बार जो है चालू नहीं होता है। देखिएगा, उसमें जो है डेट फिक्स नहीं दिया है कि आपका जो है एक योगदान इतना तारीख होगा। क्यों नहीं दिया है इसके बारे में बताता हूँ। उसमें होता क्या है कि जो आपको जिला दिया गया है उस जिला के SP पे डिपेंड करता है कि आपको कब डेट दे, मतलब एक जिला में लगभग जितने लड़के हैं 4-5 दिन में लगभग सबका योगदान करा दिया जाता है, और वो डिपेंड करता है कि कब SP अपना लेटर जारी करे योगदान के लिए। ठीक है, तो SP के हिसाब से योगदान आपका कराया जाता है, वहीं लेटर जारी करेंगे कि हाँ भैया, इतना से इतना रोल नंबर वाले, इतना तारीख वाले, जो जिला मिला है उन लड़कों का उस जिला में SP के सुपरविजन में ही जो है आपका योगदान होता है, और वहाँ पे आप लोगों का सारा लिस्ट चला जाता है
और वहीं लिस्ट के माध्यम से जो है आपको रोल नंबर वाइज जो है बनाया बुलाया जाता है, नंबर वाइज या नाम वाइज जो होगा आपका उसमें लिस्ट बना दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। और ये जो लिस्ट होगा आपको कहीं ऑफिशियल वेबसाइट पे सीएसबीसी पे देखने को नहीं मिलेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अब जो है सीएसबीसी का काम खत्म हो गया, यही चीज़ बाकी था जो आपको मिल गया है। ये वो एक और चीज़ है जो आपका योगदान लेटर जो है वो भी आपका जो है डाउनलोड करवा देगा, उसके बाद सीएसबीसी का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ और है बस वही, बस इसके अलावा और तो हमको लगता है कि कुछ अब आपको सीएसबीसी पे देखने को मिलेगा। तो ये आपका लिस्ट जो है उस जिला में तैयार हो जाएगा, फिर उस हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। तो इस लिस्ट के बारे में आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आएगा। तो देखिए, आप जो है आपको अपनी पुलिस लाइन में पता करना होगा, पहले आप जब आपका लेटर डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद से जो है ये लिस्ट के बारे में चर्चा होने लगेगी। ऐसे देखिए, आपका जो है 15 तारीख से तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन 15, 17, 18 से कोई ना कोई लिस्ट आपको देखने को किसी न किसी जिला में मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ का जो है पुलिस लाइन में आपका जो है लिस्ट चिपका दिया जाता है और उसी के थ्रू आपको पता चलता है। तो ये चीज़ जो है आपको वहाँ पर जाकर पता करनी होगी, या जो हर पुलिस लाइन का जो है कंट्रोल रूम होता है वहाँ पर फ़ोन करके पता करना होता है कि सर आपके जिला में, मतलब इस जिला में कब से जो है योगदान की प्रक्रिया चालू किया जा रहा है 8415 का, तो आपको बताया जाएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए, घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं होता है, आपको सब कुछ पता चल जाता है। बताना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग एक टेलीग्राम पे ग्रुप बना लीजिएगा, हर जिला के जिस जिस जिला में जिसका है उस जिला का टेलीग्राम पे ग्रुप बना लीजिएगा, फिर आपको पता चलता रहेगा कि कब मेरा योगदान होने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक। सब उस ग्रुप में आप लोग डालते रहिए, किसी एक को पता चलेगा तो फिर सबको पता चल जाएगा। उसके अलावा मैं हइए हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है योगदान के रूप में आपका जो है यही सब चीज़ें करवाई जाती है। उसके बाद से हो सकता है कि आपका एक बार, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के बाद, आपका जो है हाइट, चेस्ट और वेट, ये तीन चीज़ों को मेंश्योर किया जाए, मतलब जस्ट फॉर डाटा सेट के लिए आपका जो एक डाटा सेट तैयार किया जाता है उसके लिए ये सब सारी चीज़ें प्रक्रिया कराई जाती है, ठीक है। उसके मतलब योगदान में भी यही आता है। और आपको वहीं पे मेडिकल के बारे में बताया जाता है कि आपका मेडिकल कहाँ होगा। मेडिकल ऐसे जनरली आपका जो है सदर अस्पताल में किया जाता है, सदर अस्पताल जो आपके जिला का सदर अस्पताल होगा वहाँ पे हो जाएगा, और नहीं तो आपको जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है वहाँ पे आपका वहाँ के सदर अस्पताल में जो है आपको एक दिन सबको बुला के एक दिन दो दिन और आपका मेडिकल करा लिया जाता है। मेडिकल से रिगार्डिंग किसी को परेशान नहीं होना है, मेडिकल में कोई नहीं फेल होता है। जितने भाई 8415 जितने लोग इसमें सेलेक्ट हो गए हैं, सब सेलेक्ट है। अब समझ लो कि आप वर्दी का ख्वाब देख सकते हो, अब कोई इसमें बाहर होने वाला नहीं है, सब फिट होंगे और सब सिलेक्टेड होंगे, सबकी मनोकामना जो है पूर्ण होगी भाई, क्योंकि इतना दुख तो कपा गए हो, तो अब आगे कोई फाउंडेशन आपको वेरिकेशन एक पॉइंट पे हम लोग इसमें बात करेंगे, एक एक टॉपिक पे मैं वीडियो आपको बना के दूंगा। बाकी योगदान के बारे में जो है बहुत लोग जो है नहीं जानते हैं, इसलिए ये रहा आपका योगदान, इसी तरह से आपका योगदान होता है। लड़कियों का भी जो है वेट और हाइट को देखा जाता है, मतलब कि डाटा सेट तैयार करने के लिए। तो यही सब सारी चीज़ें होती है। उसके बाद से कुछ दो तीन फॉर्म भी भरवाया जाता है आपसे, जिसमें से पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म हो जाता है और दो चार और सारी फॉर्में हो जाती हैं। तो आपको पता चल जाएगा सब, बस आप पहले जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, देन उसके बाद से जो है आगे की प्रक्रिया आपको समझ में आएगी। तो यही है आपका योगदान भाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि योगदान में आपका क्या है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्लियर होगा तो जरूर पूछ लीजिएगा इससे रिगार्डिंग। और किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक को कमेंट भी करिएगा, तो उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगा। बाकी मैं बिहार पुलिस 8415 जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता, जब तक आपका ट्रेनिंग चालू नहीं हो जाता, तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल ग्राउंड लेवल से विभागीय जानकारी आपको मिलेगी। जिससे पहले मैं देता आ रहा हूँ वैसे अभी भी आपको मैं देता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं, जय हिंद।